शादी हुई जब से ससुराल को एक दो दिन के लिए भेजे, मुश्किल से वो भी क्या बोल रहे आके हम लेके जाते बोले तो, नहीं नहीं शादी हुई हुई, जीना मरना ससुराल के घर में, गई जाएंगी तो जान, जिंदी तो भी जाना, नहीं तो मर के तो भी जाना ससुराल से, मायके को जाने का नहीं है। बात करो और तुम जो भी है क्या भी है कितो से भी बात करो, मगर भेजने का नहीं है बोल के बोल दी। बात कर रहे 8 दिन पहले भी आए, आठ दिन पहले भी आके गए हैं माँ बाप, तो क्या बोले भेजने का नहीं है बोले, तो भेजने का नहीं है वो तो माँ बाप समझा गए, सबर कर बेटे मैं और 2 दिन के बाद आके और बुला के ले जाऊँ, तुम बोल के सबर कर बोल के समझा के गए। बच्ची रह गई बिचारी, रह गई आज भी फोन करे कैसी है बेटा बोले तो डर डर के आवाज़ आई, आई अच्छी हूँ मगर आवाज़ में फर्क हुआ, हमारे को डाउट आया, हम रास्ते में है और फोन आया हमारे को, क्या बोल के तुम्हारी बच्ची अनकॉन्शियस हो गई, पूरे बात नहीं निकल रही, मुंडियाँ डाल दे रही, दवाखाने को लेके जा रहे बोल के फोन करे। हम बालकोंडा पहुँचे, सोन से बालकोंडा बहुत बोले तो एक 20 मिनट का टाइम, उसके बाद तक क्या बोल रहे हम डेड बॉडी को घर को लेके जा रहे, तुम्हारी बच्ची मर गई बोल रहे। ये पूरी स्टोरी हुई, ये उन्होंने जो पूछे वो दिए, जो हमसे हो सका वो दिए। अब हम आए, उन्होंने जो कैफत दी है, हम आए तक बच्ची लावारिस के ऐसा सो के है, उसके बॉडी के ऊपर पूरे दागा है, पूरे दागा है, एक ग्राम भी सोना नहीं रखे, उन्हें हर हमेशा पूरा सोना पहन के रहने वाली, आखिर को आखिर एक गलसेट तो भी रख के सोने वाली हमारी बेटी रहने वाली, एक मासा भी नहीं रखे आंख पे, और पूरे बाड़ी पे सर से लेके पैर तक दागा है उसके बच्ची के। हम आके क्या पूछते बोल के उन्होंने क्या कह रहे, पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिए, और पुलिस हमको बच्ची तक जाने देने के लिए आधा घंटा टाइम लगा, हम डोर पे आके फाइट करना पड़ा, और उन्होंने क्या बोल रहे, नहीं भाई हम प्रोटेक्शन के लिए आए बोल रहे, भाई हम कंप्लेंट ही नहीं करे, हमको बॉडी नहीं दिखाए, हम क्या बोल के कंप्लेंट करना, हम घर वाले तो एक तो हो रहा है यहाँ जवाबदारी के लिए, अकेले भी नहीं है, खैर मरी होंगी हमारी बच्ची, लेकिन आप तो बोलना ना हकीकत क्या हुआ यहाँ पे, फिर आके देखे तो क्या हो रहा, 100 आदमी नहीं, मुझसे गलती हुई होंगी, मैं देखने में नज़र कम होंगी, मेरे साथ 100 आदमी आए, निजामबाद के भी आए, हर कोई आके यही बोल रहे, दागा देख के बच्ची के बाड़ी के ऊपर, ये मरी नहीं मार दिया गया बोल रहे। हेलो टॉक, हाँ टॉक कैब एट योर सर्विस सर, जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक, आए टॉक बोलो और चलो। ये पुलिस भी गवाह है इस हद तक, ये बात के लिए पूरी पुलिस DSP साहब तक, CI साहब, SI साहब सब गवाह है यहाँ पे, हम सबके सामने बोल रहा हूँ, ये खुलेआम बोल रहा हूँ, हमारी बच्ची का कत्ल हुआ है, मर्डर किया गया। मर्डर क्या हुआ सुने, ये डर हमेशा हम मायके को लेके जाएंगे बोले तो, ये लोग ऑब्जेक्शन, नहीं नहीं बच्ची को दिए मायके को जाने का नहीं रहता, तुम कोसे लाखा करोड़ा ला के दिए, अलाए हमारे को खरीद ले क्या, तुम मायके को लेके जाते बोल रहे, तुम कोसा दिए हमारे को, कितना दिए बोल के, एक 10-15 लाख की शादी की हो, ऐसा बोलते हुए उन्होंने हमारी बच्ची को मायके तक नहीं जाने दे रहे, क्या बोल रहे, मायके से ससुराल से जब जाएंगी बच्ची मुर्दा हुई है तो जाना, ऐसा भी बोले, 8 दिन पहले की बात है ये, हम बोले ये तो हर घर में छोटे छोटे होते रहते तकरार, आज नहीं तो कल तो एडजस्ट हो जाते ना बोल के, हम हमारी बच्ची को समझाए बेटे सबर कर ले, और हमारी बच्ची आज तक सबर वालों में से थी हमारी बच्ची, इतना भी जुलूम हुआ हमको नहीं बोली बच्ची, क्यों बाड़ी पे कोई दागा देख के सब, आप मेहरबानी करके आप लोग, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, मेरी एक ही नहीं है, आप मेहरबानी करके हमारी बच्ची को गई जान गई, ऐसा हौरे के साथ जुलूम नहीं होना, हमारी बच्ची को तो हम ला सकते ना आप ला सकते, ये तो खुलेआम है, अल्लाह की रिवाज है कि मर गया, लेकिन ये जो बेईमानी हो रही, बेइंसाफी हो रही है, जुलूम हो रहा औरत बच्चियों पे, खासकर भावों के ऊपर, ऐसा हर एक के बच्ची के साथ नहीं होना, ये इंसाफ हमको हुई है तक, यहाँ से हम हलेंगे नहीं, पुलिस हम पे लाठी चार्ज करो, उन्होंने बोले हम धरना करने वाले हैं ये बाड़ी को लेके, क्यों बोले तो घर वाले अकेले भी यहाँ पे प्रेजेंट मौजूद नहीं है, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट है, और वो लोग बटालियन को भी मांगा यहाँ पे, हमको मारते कि क्या है, हम भी डर रहे हैं अब, क्यों बोले तो पैसे वाली पार्टी है, हम गरीब है, अब इसका भी ख्याल कर रहे हैं हम, क्यों बोले तो अब हमारे को इंसाफ होना, बोलते पब्लिक इंसाफ करना या मीडिया इंसाफ करना, और मेहरबानी है पुलिस डिपार्टमेंट से, आप भी मेहरबानी करके हमको इंसाफ करो वाले ताज धाबा हाफिज़ है,
रुद्रा राइस मिल के अपोजिट हाफिस है, इस्माइल भाई भूसा सेठ है, उनको 10 लाख यहाँ, 5 चाकदार यहाँ, 20 नौकरा है, हाजी है, नंबर 1 छोर है, ग्रीन रोड लाइन भूसे का सप्लाई करते हैं, भूसे के सेठ है, बाप का नाम इस्माइल है, बेटे का नाम गौस है, कोसे सेठ है, निजामबाद अरसा पेली, ये ताज ढाबा दुर्गा, ये रुद्रा राइस मिल के अपोजिट पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, हेड ऑफिस इनकी है, इनकी इस्माइल भाई की, नंबर 1 चोर, भाव को मार दिया, दामादा कह रहे की बेटियां कह रहे की बेटे उन्होंने मिलके मेरे बेटी को मार दिए, मैं बच्ची का बाप बोल रहा हूँ, ये कौन इस्माइल सेठ है, इन्हें बच्ची का मरद का नाम ग्रांड हो गौस है, उन्हें गौस उन्हें ऐसे माँ के लौड़े दुश्मन दुश्मनी करे तो बच्ची को छोड़ना, साले अली सागर जाके मर जाना, माँ के लौड़े चोरी करके लारिया नहीं मोलना, मुझे धंधा नहीं करना, दूसरे के बच्चों को, दूसरे के बच्चों को जान नहीं निकाला, माँ का लौड़ा ऐसा नहीं कर रहा, बहुत तकलीफ है मेरे को भाई, खर्चा करके 5 लाख चिट्ठिया डाल के मैं खर्चा ला के बेटी की शादी करा, 2.5 महीना हुआ, 1 साल ला के बच्ची को नल्ली दबा के फांसी डाल दिया, इन्हें सोप अरसा पेली का इस्माइल जेठ भूसे वाला, इन्हें कहा ताज ढाबा के पास है, रुद्रा राइस मिल के पास, गौस है, उन्हें मोहम्मद गौस है, इन्हें इस्माइल सेठ है, इन्हें और नहीं मालूम होगा समझेंगे, ये निजाम अरसा पेली का इस्माइल सेठ भूसे वाला, इस्माइल सेठ भूसे वाला, अरे भाई एक भी ऑटो नहीं रुक रहा, अरे तो कैब बुक करना भाई, मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, ये कैब बुक करने के वास्ते स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, टॉक ट्रेवल्स बोल के नई कंपनी लॉन्च हुई, अगर स्मार्टफोन है तो ऐप से बुक कर लो, तुम्हारे जैसा अगर डब्बा फोन है तो नंबर मिला लेना, हेलो टॉक, हाँ टॉक कैब एट योर सर्विस सर, बोलो और चलो।